और बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर थे। जनसभा में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को कांग्रेस देश की संसद में विपक्ष भी नहीं बना पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहे। यहां मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश की संसद में विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। पीएम ने न सिर्फ कांग्रेस की 50 से कम सीटें आने का ऐलान किया, बल्कि मलि शंकर अय्यर के बयान पर भी पलटवार करते हुए पाकिस्तान और कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए, और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। इसी सभा में पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम ने कंधमाल की सभा में रैली के दौरान स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम ने जानी को मंच पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। पीएम ने उनके पैर छुए, हालांकि पूर्णमासी ने पीएम का हाथ पकड़ दिया। फिर वो खुद भी पीएम मोदी के पैर छूने लगी तो पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ दिया और पैर छूने नहीं दिए। ये नजारा देख पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कौन है पूर्णमासी वो भी जानिए। 80 साल की पूर्णमासी जानी एक कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है। 2021 में राष्ट्रपति ने पद्मश्री से उनको सम्मानित किया था। आदिवासी संस्कृति और कला में उनके योगदान के लिए उनको सम्मान मिला है। उड़िया कुई और संस्कृत में 50,000 से ज्यादा भक्ति गीत और कविताएं उन्होंने लिखी हैं। पूर्णमासी जानी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी इतनी रचना हैरान करती है। आदिवासी आध्यात्मिक की जानकारी के लिए उन्हें तारी सरुबाई भी बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ विपक्ष पर हमलावर हैं और कांग्रेस को निशाने पर लेकर खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी का बड़ों के प्रति सम्मान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा कि विपक्ष अब जब ये रिजल्ट आएंगे, ये नतीजे आएंगे, तो वो विपक्ष भी नहीं बन पाएगी, ये एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कह दी। आगे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इस पर क्या कुछ होगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केजरीवाल के बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी सी नजर आ रही है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे माथा टेका। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर भी पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर का रुख किया, जहाँ केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल एक्शन मोड में नजर आए और बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। साथ ही साथ केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया कि चुनाव के बाद विपक्ष के कई नेता जेल में होंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो।
प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन, बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, उनके साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्षी भी कहते हैं कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करके जीतना चाहते हो, आप विपक्ष के नेताओं पर पर्चे करके छापे मार के जीतना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। जब भी किसी नेता ने ये भ्रम पाला कि मैं लोगों से बड़ा हूँ, तभी लोगों ने उसका भ्रम निकाला, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। इससे पहले विस्तार न्यूज ने आपके सांसद संजय सिंह से बात भी की थी। है सर, जिस तरह से आप लोग एक अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर निकले हैं, क्या माना जाए कि चुनाव को लेकर के एक मेगा ऐलान आज से शुरू हो चुका है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे भारत के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में मदद मिलेगी। ये जो विरोधी कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 चुनाव में भी वो रहे थे और उन्होंने क्या हश्र था वो देखे थे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान आया था, उस पर क्या? आपने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी, आपने अत्याचार की पराकाष्ठा पहुंचा दी ना। आपको तो 2 बार इस देश के लोगों ने दिया था काम करने के लिए, आप तो झूठ बोल रहे हैं दिन रात। भाई आपने रोजगार के नाम पर झूठ बोला, किसानी के नाम पर झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पर झूठ बोला, तो ये देश की जनता महसूस कर रही है कि ये भारतीय झूठा पार्टी है और इसलिए उनको जवाब देना जरूरी है। समय बहुत कम है मतदान में, आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली, क्या पुरानी रणनीति पे चलेंगे या कुछ चेंजेस होने वाले? 21 दिन बहुत होता है, 49 दिन की सरकार चलाई थी केजरीवाल जी ने, उसके बाद 67 सीट आई, अब 49 दिन जेल रह के आए हैं। अब आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या सहयोगियों के लिए भी प्रचार करेंगे केजरीवाल? निश्चित रूप से करेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केजरीवाल के समर्थन में बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे। सुनिए विस्तार न्यूज से क्या कुछ कहा उन्होंने। पार्टी की भी तो कोई जान आएगी? खाली आम आदमी पार्टी में जान नहीं आएगी, ये लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई में जान आएगी, सारे हिंदुस्तान में जान आएगी। एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरे तरफ तानाशाह है जो इनको जेल भेजा था। कोई वजह नहीं है, एक व्यक्ति का गुनाह इतना है कि पब्लिक गुड्स को उसने लोक तक पहुंचाया, अच्छे स्कूल दिया, अच्छे शिक्षा व्यवस्था दिया, उसके लिए ये सजा है। अरविंद केजरीवाल जमीनी नेता है, एक्चुअल नेता है, लीडर का मतलब है अरविंद केजरीवाल। बीच चुनाव सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है।
मगर चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि बचे हुए चरणों के दौरान उनकी पार्टी के मुखिया प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होना है और पंजाब में 1 जून को होना है, लिहाजा केजरीवाल का जोश हाई है और इंडिया गठबंधन को भी प्रचार में मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जेल से निकलने के बाद केजरीवाल के एक ओर जहां तेवर बदल गए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में भी एक नई एनर्जी आई है। लेकिन अब चुनाव प्रचार जितने दिन करेंगे केजरीवाल, क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, ये तो नतीजों के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में शिवा साहू के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। शिवा साहू पर शुक्रवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई है। शिवा साहू पर सारंगढ़ के बीजेपी नेता गिरवर निराला ने 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले शिवा साहू के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज हो चुकी है और अब तक शिवा साहू फरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवा साहू मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। अरे भैया, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में कौन क्या किया है, लेकिन आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूँ, ऐसा कोई भी अग ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से। तो शिवा साहू मामले में ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी जेल में, कोई भी कहीं भी हो, पाताल में ही क्यों ना, उसे खोज कर लाएंगे और सबको सजा मिलेगी। आपको बता दें कि शिवा साहू पर शुक्रवार को एक नई शिकायत दर्ज की गई। शिवा साहू पर सारंगढ़ के बीजेपी नेता गिरवर निराला ने 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनमोल, शिवा साहू पर एक नया मामला और एक नई शिकायत दर्ज की गई, लेकिन डिप्टी सीएम अब कह रहे हैं कि कोई पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, हर जगह से उसे खोज कर निकालेंगे, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए शिवा साहू मामले में बहुत बड़ा बयान आया है गृह मंत्री का, क्योंकि आपको मालूम है कि शिवा साहू वही है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है। रायकोना का रहने वाला एक बढ़ई का बेटा रातों रात करोड़पति बना और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां जो है उसके पास अचानक आ गई, और अब पता लगाया जा रहा था कि आखिर शिवा के पास इतना पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, शिवा का ये अमीर बनने का राज क्या था। विस्तार न्यूज देखिए 2 महीने से जो है इस खबर को चला रहा है, 2 महीने से विस्तार न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, और आज जब गृह मंत्री का इस मामले में सबसे बड़ा बयान सामने आया है तो विस्तार न्यूज़ इसको सबसे पहले दिखा भी रहा है और बता रहा है कि आखिर शिवा साहू पर जो गृह मंत्री बोले हैं कि मुझे फिलहाल इस बारे में नहीं पता है कि कौन क्या क्या किया है, लेकिन कोई भी ठग हो, कोई भी ठग हो वो बचेगा नहीं, कानून का हाथ मजबूत है। और गृह मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा है कि हम पाताल से भी खोज कर लाएंगे ऐसे ठग को। तो ये बहुत बड़ा बयान है और अब चुनौती जो है पुलिस की बढ़ गई है, क्योंकि प्रतिज्ञा मैं आपको बता दूं ये कोई नया मामला नहीं है, ये पिछले 2 महीने से शिवा साहू चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट का आरोप लगा था, लोगों से ये जो है हर महीने 30% ब्याज देने और 8 महीने में पैसे डबल करने को झांसा देकर के लोगों से पैसे लिया करता था। और इसी मामले में जो है धोखाधड़ी का एक मामला है, लेकिन कई और मामले ऐसे, कई और शिकायत ऐसे शिवा साहू पर दर्ज हुए हैं, क्योंकि कल ही एक और जो मामला है वो दर्ज किया गया, तो कई ऐसे मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं शिवा साहू पर। और क्या कुछ आरोप? देखिए प्रतिज्ञा, मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी दे दे रहा हूँ कि आज से ठीक दो महीने पहले, माफ कीजिएगा, इन पर जो है एक शिकायत हुई थी और जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई थी शिवा साहू पर, जिसमें कई और भी इनके आरोपी जो हैं, इनके जो साथी हैं वो आरोपी बनाए गए। इनके पिता जो हैं टीकाराम साहू वो अभी जेल में बंद है, इनके जो राइट हैंड माने जाते हैं जगेश साहू, ये तमाम जो लोग हैं अभी जेल में बंद है। शिवा साहू लेकिन फरार है, अब तक शिवा साहू को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जब आज गृह मंत्री का बयान आता
कहा है कि हम ऐसे ठग को पाताल से भी खोज कर लाएंगे, तो अब चुनौती जो है वो सारंगढ़ पुलिस के लिए बढ़ गई है, क्योंकि अब तो खुद गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आ गया, तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्द ही जो है अब शिवा साहू पुलिस की गिरफ्त में होगा, और अगर गिरफ्त में जल्दी नहीं आता है तो ये पुलिस की अनमोल, और जो डिप्टी सीएम ने ये बातें कही है वो लगातार नक्सलियों पर भी जो कार्रवाई हो रही है उससे समझ में आता है कि कोई कहीं भी छुपा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ जो पुलिस है प्रशासन है वो उसे ढूंढ कर लेकर आएगी, और ये गृह मंत्री के बयान से भी साफ जाहिर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अब अगली खबर की। लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई रणनीति है? आपको हम समझाएंगे कि आखिर क्यों इस रामनिवास रावत ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनावों के बीच 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता और श्योपुर जिले के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या इस्तीफे में हो रही लेट लतीफी के पीछे कोई प्लान है या फिर कोई ऐसी रणनीति है जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, या फिर किसी बात का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की सदस्यता लेने वाले इन विधायकों में अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह, विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत, बीना से विधायक निर्मला सप्रे हैं। कमलेश प्रताप सिंह को छोड़ दिया जाए तो अब तक ना तो रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया और ना ही निर्मला सप्रे ने। हालांकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या जरूर अलबत्ता 66 से 63 रह गई। उधर लगातार उठते सवालों पर रामनिवास रावत खींच कर कह रहे हैं कि किसी से पूछ कर मुहूर्त थोड़ी निकलवाऊंगा, बीजेपी ऑफिस में बैठा हूँ। कुछ बातें तो मेरे द्वारा कही गई थी और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड में याद किया गया, बाकी उसका जवाब यही है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, ये अपने आप में स्पष्ट उस बात का जवाब है। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ, कार्यक्रम स्वेच्छा से किया था, कार्यक्रम मैंने अरेंज कराया था वहाँ पर जयपुर में, तो कम से कम 15-20 हज़ार की भीड़ के सामने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी नरोत्तम मिश्रा जी और सभी भाजपा प्रदेश के पदाधिकारियों के सामने सदस्यता ग्रहण की थी, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ ये अपने आप में स्पष्ट है कि भाजपा का कार्यालय है और यहाँ भाजपा का ही आदमी बैठ सकता। उधर कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि जब खुलकर बीजेपी में बैठकर कांग्रेस को धोखा दे दिया तो फिर अब इस्तीफा क्यों नहीं देते। देखिए यही तो है, सत्ता की चाशनी तो सबको चाटनी है, पंजे पे जो है वो जीत कर भी जाना है। कांग्रेस पार्टी का जो मत है, जो उसका विधायकी है, उस पर भी रहना है और भारतीय जनता पार्टी में जाके सत्ता की चाशनी भी चाटना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बाकी है तो वो अपने पद को छोड़ें और फिर जाएं भाजपा में और चुनाव लड़ें। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई विधायक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भी दूसरी पार्टी में रह सकता है, या फिर ऐसा नियम है जिसके चलते अब तक इस्तीफा ना देना कोई कारण बना हुआ है। अब अगर उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है तो नियम ये कहता है कि किसी सदस्य को शिकायत करना पड़ेगी कि भाई इन्होंने दल छोड़ दिया है या इस्तीफा दे दिया है, ये भी एक प्रमाण है अपने परमाणु सहित कि भाई उनके फ़ोटो हैं, उनकी सदस्यता का डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर क्लिपिंग्स हैं, उनके इस्तीफे की कापी है वगैरह वगैरह, जो भी उनके पास दस्तावेज ऐसे हैं जिससे वो सिद्ध होता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। उसकी शिकायत अगर प्रमाण सहित आएगी तो अध्यक्ष उससे फैसला करेंगे, तो नेचुरली उनकी सदस्यता जाएगी, उनको सदस्यता से निकाला जाएगा। तमाम उठते सवालों के बीच अब बात इस पर आकर ठहर गई है कि क्या वाकई किसी चीज का इंतजार हो रहा है या फिर ये सामान्य है, या फिर कोई शिकायत करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर शिकायत पर ही निर्णय होना है तो अब तक ये निर्णय क्यों नहीं हुआ है, या फिर विधायक पद से इस्तीफा न देना एक सोची समझी रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
बात अगली खबर की करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब बीजेपी के साथ कांग्रेस दोनों के रणनीति दल के रणनीतिकार मतदान संपन्न होते ही लोकसभा सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। बाकायदा प्रत्याशी से लेकर जिम्मेदार इसकी समीक्षा में लग गए हैं और क्या होगा परिणाम, क्या समीक्षा के बाद राजनीतिक दल कर पाए 11 लोकसभा सीट में जीत के दावे, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब आंतरिक रूप से सर्वे और जिम्मेदारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा का दौर शुरू हो चला है। बीजेपी शुरू से ही 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कमजोर सीटों पर जमकर फोकस भी करती नजर आई है। बीजेपी ने 4 सीटों को कमजोर माना था जिस पर पहले दिन से ही मतदान होने पर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि समीक्षा के दौरान बीजेपी कांकेर लोकसभा सीट को अभी भी कमजोर मान रही है। समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोगों के रुझान और रिस्पॉन्स के आधार पर हमने समीक्षा की है जिसमें बीजेपी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है उसमें छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। दोनों प्रमुख दलों ने परिणाम से पहले शुरू की समीक्षा। बीजेपी को कांकेर लोकसभा में लग रही है कांटे की टक्कर। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बृजेश ठाकुर 6914 वोटों से हारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में बृजेश ठाकुर एक मजबूत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बस्तर, महासमुंद और कोरबा से आस है। कांग्रेस मुख्यालय में मतदान और बूथ स्तर से मिली जानकारी पर मंथन हो रहा है। दोनों दल युवाओं और महिलाओं के मतदान का आकलन कर रहे हैं। बीजेपी जहां संगठनात्मक स्तर पर समीक्षा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी फीडबैक लेने में जुट गई है। इतना ही नहीं, विधायक, पूर्व विधायक और निचले स्तर के पदाधिकारियों से चर्चा कर ब्यौरा मांगा गया है। कांग्रेस जहां लोकसभा की 11 सीटों में अच्छे परिणाम पार्टी के पक्ष में आने की बात कर रही है तो समीक्षा में कई बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। चर्चा के दौर जारी हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। बीजेपी की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी 10 साल का काम बताने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में क्या करेंगे ये भी उनकी घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से हम 11 सीट में अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी, और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है। परिणाम आने से पहले समीक्षा के मायने क्या हैं ये तो खुद राजनीतिक दल ही बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से 3 चरणों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में वोटिंग हुई और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की समीक्षा हुई, ये उनके जीत के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल देखना होगा कि समीक्षा में जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो 4 जून को आने वाले रिजल्ट में कितनी सही और कितनी गलत होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।